गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा ख्याति का मूल्यांकन। मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ख्याति क्या है और ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। उस वीडियो में हम आपको उसके सूत्र और उन्हें हल करने का तरीका बता देंगे, मूल्यांकन करने का तरीका बता देते हैं। तो ख्याति किसी फर्म में या लोकप्रियता या सुनाम को हम ख्याति कहते हैं। ख्याति एक अमूर्त व स्थायी संपत्ति होती है। ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति होती है, इसका एक मूल्य होता है। ख्याति को अपलिखित किया जाता है और जो फर्में ऐसा नहीं करती वो अच्छी फर्में नहीं मानी जाती है। तो इसका मूल्यांकन करने के लिए हम यहाँ पे विधियों का प्रयोग करेंगे। तो पहली विधि हम लेते हैं औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि द्वारा यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे अधिलाभ विधि द्वारा मूल्यांकन, अधिलाभ विधि द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और तीसरा यहाँ पे देखिए आप, पूंजीकरण विधि द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कैसे इन तीनों विधि द्वारा मूल्यांकन करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इन तीनों विधियों से सवाल हल करना बिल्कुल सीख जाएंगे और यह बहुत ही सरल है। एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनता ही है, इसलिए यह टॉपिक लेकर आए हैं हम कि ख्याति के मूल्यांकन करने की जो तीन विधियां हैं, तो इन तीन विधियों को हम यहाँ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं औसत लाभ विधि की बात करते हैं हम यहाँ पर। पहला नंबर औसत लाभ विधि। और इस औसत लाभ विधि की में कैसे हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, तो औसत लाभ का अर्थ आप जानते हो, औसत निकालना आप जानते हो, वही औसत निकालना ही ख्याति के संबंध में यदि हम औसत निकालेंगे तो वह औसत लाभ विधि हो जाएगी। लेकिन ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए औसत लाभ विधि में देखिए सूत्र क्या बनेगा। ख्याति बराबर हम लिखेंगे औसत लाभ, औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। यह क्रय वर्ष जो है यह सवाल में दिया होता है। प्रश्न जब बनाया जाता है तभी वहाँ पे कितने क्रय वर्ष हुआ है सवाल में दिया होता है, लेकिन यह निकालने की हमें आवश्यकता नहीं होती। हमें निकालना होगा यहाँ पर औसत लाभ। तो औसत लाभ कैसे निकालते हैं, तो उसका सूत्र हम बताते हैं आपको। औसत लाभ बराबर होता है जो औसत निकाला जाता है, वैसे ही हम यहाँ पे भी औसत लाभ को निकाल लेते हैं। विगत वर्षों के लाभ या फिर हानि हुई उनको, विगत वर्षों के लाभ आप लिख हम कर देते हैं यहाँ पर हानि बटे कुल वर्षों की संख्या। जितने भी वर्ष लिखेंगे वहां पे उन वर्षों की यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी। वर्षों की संख्या यहाँ पे हमने लिख दिया, कुल वर्षों की संख्या। अब लाभ होगा तो उस लाभ को जोड़ा जाएगा और यदि हानि होगी तो उस हानि को घटा दिया जाएगा और यहाँ पे योग लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से औसत लाभ निकल कर आएगा और जो औसत लाभ यहाँ पर निकल कर आएगा उस औसत लाभ को इस औसत लाभ में लिख देंगे और क्रय वर्ष का गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर ख्याति प्राप्त हो जाएगी। यह थी औसत लाभ विधि द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। दूसरी यहाँ पर विधि देखिए आप, दूसरा नंबर की जो विधि आएगी हमारी अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि, अब देखिए यह अधिलाभ का अर्थ क्या है। अधिलाभ का सीधा सीधा अर्थ होता है अधिक लाभ। और जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ख्याति का सूत्र यहाँ पे हम लगाते हैं, ख्याति बराबर, जैसे यहाँ ख्याति निकालने के लिए हमने सूत्र क्या लगाया था, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष किया था। वैसे ही यहाँ पे हम ख्याति निकालने के लिए ख्याति बराबर कर देंगे
जो निकाल रहे हम वही लिख देते, जैसे यहाँ औसत लाभ निकाला था तो औसत लाभ लिख दिया था, यहाँ अधिलाभ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम अधिलाभ लिख देंगे, अधिलाभ गुणित क्रयवार, अधिलाभ गुणित क्रयवार। अब देखिए यहाँ पर अधिलाभ जो है तो क्रयवर्ष तो हमें सवाल में दिया रहेगा, लेकिन अधिलाभ कैसे निकालेंगे, तो अधिलाभ निकालने के लिए देखिए आप, अधिलाभ बराबर हो जाएगा वास्तविक सामान्य लाभ वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब यहां पर वास्तविक औसत लाभ कैसे निकाला जाएगा, तो औसत लाभ निकालने के लिए आपको मालूम है औसत लाभ जब हम निकालते हैं तो औसत लाभ बराबर आपने यहां निकाला है विगत वर्षों के लाभ, विगत वर्षों के लाभ या फिर हानि बटे कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या, इसके द्वारा आप यहाँ पर औसत लाभ निकाल सकते हैं, इसे हम वास्तविक औसत लाभ कहेंगे। यहाँ पे हम एक नंबर डाल देते हैं, यह हमारा पहला हो गया। दूसरा देखिए सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दो नंबर डालते हैं हम और सामान्य लाभ की बात करते हैं, सामान्य लाभ कैसे निकाला जाएगा। सामान्य लाभ और औसत लाभ, औसत लाभ तो हमने विगत वर्षों के लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या करके निकाला, सामान्य लाभ में हम यहाँ पे निकालेंगे विनियोजित पूंजी। अब यहाँ पे विनियोजित पूंजी का अर्थ क्या है इसकी बात करते हैं हम, विनियोग किया हमने जो लगाया उसे हम विनियोजित पूंजी कहते हैं, गुणित लाभ या फिर इसे हम ब्याज कहते हैं, ब्याज की दर बटे यहां पर 100 कर देते हैं तो इससे हमें सामान्य लाभ निकल के मिल जाता है, और इससे इससे अधिलाभ निकल जाएगा, और इस अधिलाभ को हम अधिलाभ की जगह रख देंगे, क्रय वर्ष से गुणा कर देंगे तो ख्याति निकल के आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए इसमें तीसरी विधि जो है वो है पूंजीकरण विधि, इस पूंजीकरण विधि की हम भी बात करते हैं। तीसरा नंबर, पूंजीकरण विधि द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, पूंजीकरण विधि, यह विधि इन दोनों विधियों के आधार पे ही तैयार की गई है पूंजीकरण विधि। तो यह दो प्रकार से इन विधि को हम निकालते हैं, औसत लाभ के पूंजीकरण के आधार पर, तो औसत लाभ का पूंजीकरण करते हैं पहले, औसत लाभ का पूंजीकरण जब भी करेंगे तो यहां पर ख्याति निकालते समय हम क्या काम करेंगे, देखिए ख्याति बराबर औसत लाभ, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी। अब देखिए यहां पर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालना होगा हमें, तो हम यहां पर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालते हैं, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य क्या हो जाएगा, औसत लाभ, औसत लाभ बटे सामान्य लाभ की दर गुणित 100, इससे निकल के आएगा हमारा औसत लाभ, इससे औसत लाभ निकल के आएगा। और विनियोजित पूंजी कैसे निकल के आएगी उसकी बात करते हैं हम, विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी, यहां पर विनियोजित पूंजी में शुद्ध संपत्तियां, शुद्ध
संपत्तियां माइनस शुद्ध विनियोजित संपत्तियां माइनस यहां पर विनियोजित लिखना है, विनियोजित संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। अब देखिए इससे यहां पर हमें दो नंबर में विनियोजित पूंजी निकल के आएगी और एक नंबर में औसत लाभ, एक नंबर यहां पर हम दो नंबर लिख देते हैं। तो इस सूत्र द्वारा औसत लाभ द्वारा का पूंजीकरण विधि में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। अब यहां पर दूसरी जो विधि आती है अधिलाभ विधि द्वारा, अधिलाभ विधि द्वारा विधि द्वारा पूंजीकरण कैसे किया जाता है इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अधिलाभ में यहां पर लेंगे हम ख्याति बराबर अधिलाभ बटे सामान्य लाभ की दर गुणित 100। अब अधिलाभ कैसे निकाला जाता है, तो अधिलाभ निकालना आपको आता है, अधिलाभ बराबर होता है वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। और इन दोनों को निकालना हमने यहां अधिलाभ विधि में सीखा है। इस प्रकार हम इन तीनों विधियों द्वारा ख्याति का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।